हेलो दोस्तों, जनरल नॉलेज की दुनिया में आपका स्वागत है। दोस्तों कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों आज के वीडियो में हम टीडीएस ऑन परचेज सेक्शन 194 क्यू के रिगार्डिंग बात करेंगे कि अगर मान लीजिए बायर जो है यानी परचेजर अगर सेक्शन 194 क्यू के लिए अप्लीकेबल होता है तो उस केस में बायर अपने बुक में किस तरह से टीडीएस ऑन परचेज एंड परचेज का बिल एंट्री टेलीप्राइम में किस तरह से करेगा। तो दोस्तों वीडियो में लास्ट तक बने रहें, वीडियो को स्किप ना करें ताकि कोई भी जानकारी आप लोगों से मिस ना हो। और दूसरी बात, अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल ताकि जो भी नए वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों तक पहुंचे। तो दोस्तों मेरे सामने एक बिल है जो एबीसी लिमिटेड ने कुछ माल परचेज किया है एशिया मोटर वर्क से। जो सेलर है एशिया मोटर वर्क परचेजर जो बायर है एबीसी लिमिटेड, तो एबीसी लिमिटेड इस बिल में अप्लीकेबल होता है सेक्शन 194 क्यू के लिए। तो एबीसी लिमिटेड सबसे पहले अपने टैली प्राइम में कुछ जगह से टीडीएस वाले ऑप्शन को इनेबल करेगा। वो कहाँ से करेगा, कौन कौन से ऑप्शन होगा, वो सारी चीज़ मैं इसमें आपको बताऊंगा एक एक करके। तो सबसे पहले जो एबीसी लिमिटेड अपने टैली प्राइम में इनेबल करेगा वो एफ गेटवे ऑफ टैलिफ है, F11 करके आपको कंपनी में टीडीएस इनेबल करना पड़ेगा। दूसरी आपको पार्टी के लेजर में टीडीएस इनेबल करना पड़ेगा। तीसरी होती है परचेज के लेजर में इनेबल करेंगे। और चौथा जो है टीडीएस ऑन परचेज के लेजर में आपको इनेबल करना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम गेटवे ऑफ टैली पे जाएंगे, उसके बाद F11 प्रेस करेंगे। जैसे ही F11 प्रेस करेंगे तो आपके सामने इस तरह से कुछ बॉक्स खुलेगा जिसमें यहाँ पे देखेंगे इनेबल टैक्स डिडक्टेड एज सोर्स यानी TDS। यहाँ पे अगर आपका नो है तो यहाँ पे आपको यस करना है। ठीक है, जैसे ही यस करेंगे तो आपके सामने एक दूसरा बॉक्स खुलेगा जिसमें आपको 10 रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है, उसके बाद डिडक्टिव टाइप में डालना है, आप कंपनी इंडिविजुअल HUF जो भी है वो आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। देन इसके बाद आप यहाँ पे इग्नोर IT एग्जम्पशन लिमिट फॉर TDS डिडक्शन को यस कर देंगे। देन उसके बाद इसको एक्सेप्ट करके सेव कर देंगे। इसके बाद दोस्तों आप परचेज वाउचर खोलेंगे इस तरह से। अगर मान लीजिए वाउचर खोलने के बाद अगर आपकी परचेज वाउचर खुल गया तो ठीक है, नहीं तो यहाँ से F9 या साइड में आपके परचेज वाउचर का ऑप्शन होता है वहाँ पर क्लिक करके आप खोल सकते हैं। उसके बाद उस इनवाइस को खोलेंगे जो इनवाइस बायर के पास आया है, तो इसमें डेट है 14 सितंबर का, वो डेट डालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे डेट डालने के लिए F2 प्रेस करेंगे तो आपके पास ये वाउचर डेट खुलेगा। यहाँ पे वाउचर डेट डालिए, उसके बाद इनवाइस नंबर डालेंगे। ठीक है, यहाँ पे इनवाइस नंबर डालने के बाद जैसे इंटर करेंगे तो आप अगला जो है वो पार्टी का नाम पूछेगा। तो पार्टी के नाम अगर मान लीजिए बना है तो ठीक है, अगर नहीं तो आप यहाँ पे Alt+C करके, ठीक है, Alt+C करके आप पार्टी के नाम लेजर क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने लेजर बना रखा है पार्टी का, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ किस तरह से आपको पार्टी का लेजर क्रिएट करना है और क्या क्या चीज़ें ऑप्शन को इनेबल करना है। तो इस तरह से आपको Alt+C करिए, उसके बाद पार्टी के नाम सेंडेड कैरेक्टर्स में डालिए क्योंकि परचेज कर रहे हैं उससे। उसके बाद मेंटेन बैलेंस बिल बाई बिल रखिए। उसके बाद यहाँ पर जो मेन चीज़ ध्यान देना है आपको, इस TDS डिडक्टेबल अगर यस है तो यस, नहीं तो नो है तो नो। अगर मान लीजिए इस पे आप TDS पे इस पार्टी पे काटना चाहते हैं तो यहाँ पे इस ऑप्शन को हम यस कर देंगे क्योंकि ये 50 लाख से ज़्यादा का माल इसे परचेज करते हैं, यस कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे डिडक्टिव टाइप में इंडिविजुअल कंपनी जो भी है यहाँ पे ये सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद निचले वाले ऑप्शन को यस करने के बाद यहाँ पे एक Alt+C करके एक लेजर क्रिएट करेंगे TDS ऑन परचेज ऑफ गुड्स का। ठीक है, इस तरह से यहाँ पे मैंने बनाया है इसलिए मैं आपको बता देता हूँ कि TDS ऑन परचेज ऑफ गुड्स सेक्शन में डालेंगे 194Q, पेमेंट कोड में डालेंगे 94Q। अगर पार्टी के पास पैन नंबर है तो 0.1% TDS काटेंगे, और विदाउट पैन अगर पैन नंबर नहीं है तो 5% TDS काट के इसको एक्सेप्ट कर देंगे। तो इस तरह से TDS ऑन परचेज ऑफ गुड्स का एक लेजर बन जाएगा। ठीक है, इसमें यूज एडवांस TDS पे भी आपको यस करना है। ठीक है, यहाँ पे पहले ऑप्शन को यस, उसके बाद अप्लीकेबल करने के बाद यहाँ पे आपको सिलेक्ट करके और इस तरह से आगे बढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे पार्टी का एड्रेस, पार्टी का स्टेट, कंट्री और उसके बाद पैन नंबर मैंडेटरी है यहाँ पे। अगर पैन नंबर नहीं डालेंगे तो ये ऑटोमेटिक आपके जो सिस्टम है वो 5% TDS डिडक्ट कर लेगा, इसलिए यहाँ पे आपको पैन नंबर मैंडेटरी है डालना। उसके बाद यहाँ पे GST नंबर डालेंगे, GST नंबर डालने के बाद इसको एक्सेप्ट कर देंगे। एक्सेप्ट करने के बाद जो दूसरा चीज़ है, दूसरा जो आपको बनाना है परचेज लेजर, तो परचेज लेजर में परचेज गुड्स के नाम से मैंने लेजर बना रखा है। अगर आपके बनाना है तो यहाँ पे Alt+C करके बना सकते हैं। तो जैसे मान लीजिए मैंने Alt+C करके यहाँ पर आया तो परचेज गुड्स, परचेज अकाउंट, ठीक है, यहाँ पे GST अप्लीकेबल करेंगे।
टीडीएस एप्लीकेबल को वाले ऑप्शन को भी एप्लीकेबल करने के बाद यहाँ पे नेचर ऑफ पेमेंट आएगा, यहाँ पे टीडीएस ऑन परचेज का ऑटोमेटिक यहाँ पे आपके आएगा, यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे, देन इस तरह से भी इसको सेव कर दें। उसके बाद जो अगला ऑप्शन आएगा वो आएगा टैक्स क्लासिफिकेशन डिटेल्स, इसमें आपको सेलेक्ट करना है इंटर स्टेट परचेज टैक्सीबल, इंटर स्टेट परचेज है इसलिए इंटर स्टेट परचेज टैक्सीबल सेलेक्ट करने, अगर लोकल परचेज होता तो ये आपको परचेज टैक्सीबल केवल सेलेक्ट करना होता, ठीक है। अब उसके बाद आपको आइटम का नाम क्रिएट करना है, लेजर क्रिएट करना है, अगर मैंने तो पहले से बना रखा है लेकिन अगर आपके पास नहीं बना हो तो यहाँ पे ऑल्ट सी करके शॉर्टकट फॉर्मूला होता है, ऑल्ट सी करिए, आपको एक बॉक्स खुलेगा, इसमें आप आइटम का लेजर क्रिएट कर सकते हैं। जैसे मैंने ऑल्ट सी किया, यहाँ पर ट्रैक ट्रक कंटेनर, उसके बाद यूनिट में आपको पीस में है, सेट में है या किस चीज़ में है, यहाँ पे यूनिट में वो चीज़ बनाना है, तो यूनिट में अगर मान लीजिए मेरे पास पीस बना था, सेट के नाम से नहीं बना था, इसलिए यहाँ पे यूनिट की जगह ऑल्ट सी करके फिर मैं यहाँ पे सेट करके एक लेजर आइटम का लेजर बनाऊंगा, ठीक है, यूनिट्स का लेजर बनाऊंगा। उसके बाद यहाँ पर बनाने के बाद यहाँ पे डिसिमल पॉइंट पूछता है, डिसिमल पॉइंट आप 2 रखें क्योंकि जो पॉइंट के बाद कितने जीरो रखना है उसका उसके लिए यहाँ पर पूछता है डिसिमल पॉइंट, तो वहाँ पर आप 2 रखिए ताकि पॉइंट के बाद 2 जीरो आए। उसके बाद आपको GST अप्लीकेबल करना है, जैसे ही GST अप्लीकेबल करेंगे तो इस तरह से आपको एक बॉक्स खुलेगा, यहाँ पर आप डिटेल्स पर जाके अप्लीकेबल फ्रॉम डेट जो डालेंगे वो डेट डालेंगे, HSN कोड डालेंगे, जो आइटम का HSN कोड है वो यहाँ पे आपको HSN कोड डालना है, HSN कोड का डालने के बाद यहाँ पे परसेंटेज डालेंगे, उसके बाद इसको इस लेजर को एक्सेप्ट कर देंगे, सेव हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपको क्वांटिटी डालना है, टोटल क्वांटिटी कितने हैं, 2 सेट। उसके बाद बिल का रेट, जो पर सेट का रेट क्या है वो रेट वहाँ से देखेंगे बिल से अपने, और इसमें रेट डालेंगे, ठीक है। उसके बाद इंटर करके यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर आपको IGST, ठीक है, इनपुट IGST 18% का एक लेजर बनाना है, जैसे मैंने बना रखा है IGST इनपुट 18% का, तो आपको अगर बनाना तो यहाँ पे ऑल्ट सी करिए, IGST इनपुट 18% ड्यूटीज एंड टैक्सेज में जाएगा, ठीक है। उसके बाद टाइप ऑफ ड्यूटी टैक्स में आप GST डालिए, और दूसरी चीज़ जो ध्यान देना है यहाँ पे आपको TDS अप्लीकेबल करना है, और नेचर ऑफ पेमेंट में आपको TDS ऑन परचेज ऑफ गुड्स सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। उसके बाद अपने जो इनवाइस आपके पास आया है परचेज वाले, उस इनवाइस से इसको एक बार रीचेक जरूर करेंगे, उसके बाद जब सारे चीज़ ओके हो तो इस एंट्री को सेव कर देंगे, ठीक है। जैसे ही इस एंट्री को सेव करेंगे उसके बाद हम गेटवे टैली पे जाएंगे, डिस्प्ले में जाएंगे, स्टेटरी रिपोर्ट में जाएंगे, उसके बाद जाएंगे TDS रिपोर्ट में, उसके बाद फॉर्म 26Q वाले खोलेंगे तो इसमें आपको TDS का रिपोर्ट दिख जाएगा कि आपने कितने TDS ऑन परचेज के कितने परचेज किया है, और उस पर कितने जो TDS डिडक्टेबल है, टैक्स डिडक्टेबल है कितने हैं वो आपके सामने यहाँ पे शो हो जाएगा। तो यहाँ पे देख रहे होंगे SSBL वैल्यू 1,41,60,000 रुपये का है, और उस पर जो TDS डिडक्टेबल होना है, जो TDS डिडक्ट होना है 14,160 रुपये TDS डिडक्ट होना है, ठीक है। लेकिन मैं एक चीज़ दोस्तों, मैं यहाँ पर एक चीज़ और बताना चाहूँगा, क्योंकि जो सेक्शन 194Q कहता है उसके हिसाब से जो बायर को जो TDS काटना होता है वो 50 लाख से जो ऊपर के अमाउंट होता है, जैसे मान लीजिए आपके 70 लाख के बिल बायर ने परचेज किया, उसमें से 50 लाख तक तो एग्जम्प्ट होता है, बाकी के जो बचे 20 लाख उस पर एक्चुअल में TDS उस पर कटना चाहिए। लेकिन आज के टाइम जो जनरली अभी हम फेस कर रहे हैं, क्योंकि हम अकाउंट के काम करते हैं, हमें अकाउंटेंट हैं, तो हमारे सामने जो चीज़ आता है तो हम देखते हैं बायर जिस भी सेलर से परचेज 50 लाख से ज़्यादा करता है तो वो पूरे अमाउंट पे TDS डिडक्ट करते हैं। लेकिन जो सेक्शन 94Q कहता है इसके हिसाब से बायर को जो TDS काटना चाहिए वो 50 लाख से ऊपर के अमाउंट के करना चाहिए। जैसे कि मान लीजिए कि 70 लाख के बिल है, 70 लाख में 50 लाख तक तो एग्जम्प्ट है, 50 लाख के बाद जो बाकी के अमाउंट बचे उस पे TDS काटना चाहिए, जैसे 20 लाख बचा 20 लाख पे। लेकिन जनरली लोग यही कर रहे हैं कि अगर मान लीजिए जो जिस सेलर से 50 लाख से ज़्यादा किस परचेज कर रहे हैं उसके लेजर में लोग TDS की ऑप्शन को इनेबल कर देते हैं, और पूरी अमाउंट पूरे बिल पे जितने साल में परचेज करते हैं उस सारे बिल पे वो TDS डिडक्ट करते जाते हैं, और सेलर भी इस चीज़ को लिए नहीं बोलता क्योंकि बहुत बड़ा अमाउंट तो होता नहीं है, तो उसका भी बेनिफिट जब ITR सेलर भरता है तो उसका बेनिफिट भी मिल जाता है, तो इसलिए सेलर भी नहीं बोलता है। तो दोस्तों ये चीज़ तो आपको समझ में आ गई। इसके बाद जो आपको है TDS का एक जनरल एंट्री मारना पड़ता है इसमें, तो आप टैली प्राइम में, अगर आप टैली प्राइम यूज कर रहे हैं तो इसमें टैली प्राइम में आपको जनरल एंट्री भी नहीं करना पड़ता, एक सिंपल से इसमें ट्रिक है, जो करेंगे वो ऑटोमेटिक ये जनरल एंट्री भी
हो जाता है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है कि जब आप 26 फॉर्म 26Q इस तरह से खोल लेंगे, यहाँ पे अभी देखेंगे टैक्स डिडक्टेबल दिख रहा है 14,160 रुपये जो कि TDS डिडक्ट होना है। उसके बाद दोस्तों एक जनरल एंट्री पास होगा, उसके लिए आपको फॉर्म 26Q इस तरह से आप खोल लेंगे फॉर्म। उसके बाद आपको यहाँ पे देखेंगे TDS डिडक्शन का ऑप्शन आता है, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो इस तरह से आपको डेट पूछेगा, पार्टी के नाम पूछेगा, नेचर ऑफ पेमेंट पूछेगा, जो TDS ऑन परचेज ऑफ गुड्स का होगा सिलेक्ट कर लेंगे। फिर उसके बाद ड्यूटी लेजर का है, एक लेजर क्रिएट करेंगे ऑल्ट सी करके, 194Q TDS ऑन परचेज गुड्स ऑफ परचेज, ठीक है। इस तरह से एक लेजर क्रिएट करने के बाद इसको सिलेक्ट कर लेंगे और इस तरह से देखेंगे कि आपकी एक जनरल एंट्री जो TDS का है, TDS ऑन परचेज का, ये यहाँ पे जनरल एंट्री पास हो गया। तो अब ये चीज़ अगर इसको एक्सेप्ट करने के बाद जब आप बैलेंस शीट में चेक करेंगे इसको, तो आप देखेंगे कि ये TDS ऑन परचेज 14,160 रुपये आपके लाइबिलिटीज में शो होगा। तो चलते हैं पहले बैलेंस शीट में चेक करके मैं बताता हूँ कि कहाँ पे शो हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे भी आप देखेंगे तो डिडक्टिव में भी आपको 14,160 रुपये शो हो रहा है। तो सबसे पहले बैलेंस शीट खोलते हैं, बैलेंस शीट में जाएंगे, लाइबिलिटीज में, करंट लाइबिलिटीज में जाएंगे और ड्यूटीज एंड टैक्सेज में देखेंगे तो यहाँ पे TDS का 14,160 रुपये जो कि आपने सेलर के अमाउंट पे जो परचेज किया उस पर काटा है, ये जमा करना है आपको। तो इस तरह से दोस्तों आप टेलीप्राइम में TDS